नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। खागा नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनावी दौर में बहुजन समाज पार्टी से सुखदेव इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य सिपाही लाल यादव अपने 34 वर्ष शिक्षण कार्य का अनुभव और मेहनत को जनता के बीच शेयर करते हुए जन सहयोग की अपेक्षा की उम्मीद के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और अपने ही पाए हुए बच्चों के रुझानों को देखते हुए मैं एक बार नगर पंचायत अध्यक्ष की कमान संभालते हुए जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर मुझे यह अवसर मिलता है तो जनता के हित में सभी कार्य करूँगा। आइए सुने क्या कहा बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी प्रतिनिधि सिपाही लाल यादव ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। जीतेंगे हम, केवल बसपा पार्टी से मुझे टिकट मिला है इसलिए कि मैं जीवन पर्यंत बसपा का एक सिपाही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ जो शिक्षक का शब्द लगा हुआ है उसके सहारे भी मुझे मेरे पढ़ाए हुए छात्र पसंद करेंगे और मुझे वोट देंगे। आशीर्वाद तो दे दो आके बाहर, मैं पहले बाहर निकलो का दुपट्टा डालो। चेयरमैन पद, बाकी आपका देवर तो है ही आपके लिए, ये चुनाव संपूर्ण जन का। हाँ जी ठीक, भैया सिपाही लाल यादव प्रिंसिपल सुखदेव कॉलेज, भाई वोट दीजिए और दिलाई, भाई को वोट सपोर्ट। हाथी चुनाव चिन्ह नहीं लाता, ठीक है।